कामयाबी के साथ अपना सफर तय कर रही है। आज लास्ट डे है वैसे उसका, बिल्कुल आज का लास्ट डे है, लेकिन पीएम मोदी ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। लेकिन उसी हवाले से हम जो मेजर गौरव आ रहे हैं ना, उनकी वीडियो लेकर आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल्स में बताते हैं, वीडियो देखने में मजा आएगा। तो यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हमारी वीडियो को शेयर करो, रीचिंग बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। पता नहीं यार क्या हुआ है चैनल के साथ, एक स्ट्राइक पड़ी है जिसकी वजह से चैनल की शायद रीचिंग डाउन हो चुकी है। तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। देखते हैं आज वीडियो चल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आज G20 की सारी जो मुख्य मीटिंग्स हुई है ना, मुख्य मीटिंग्स, बायलैटरल्स की बात नहीं कर रहा, मुख्य मीटिंग्स, वो बहुत भारी भरकम आज काम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि इससे सक्सेसफुल, इससे कामयाब G20 इतिहास, और सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया में भारत का जय। इन्होंने जितना कर दी थी, जिसके बारे में मीडिया कह रहा है ना कि अरे भाई साहब ये तो तीर मार दिया, अरे ऐसा डिक्लेरेशन, ये है क्या चक्कर है दिल्ली डिक्लेरेशन का, लोग इतने खुश हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल ना खिंचाव होते हैं, मेरे देश का जो इंटरेस्ट है वो दूसरे देश का तो नहीं है, सही बात, और जो दूसरे देश का इंटरेस्ट है वो तीसरे देश का तो नहीं है। लेकिन बैठे सभी एक कमरे में, बैठे सभी एक टेबल पे हैं, और सभी से हामी भरवानी कि भाई आप क्या समझते हैं उसके बारे में, और आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ बैक में सब कुछ करवाना और एक डिक्लेरेशन करवाना जिसमें 100% लोग ये बोलें कि हाँ हम अग्री करते हैं, बहुत बड़ी है, हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल से होता है, और भारत ने ये भी चमत्कार करके क्या बात है। अब जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो तो है भाई 37 पेज लंबा, तो अगर मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा तो उसमें बहुत और बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। मैंने अभी भी कुछ उसके अंश पढ़े हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जियोपॉलिटिक्स की, पाकिस्तान फलाना, चाइना, रशिया, यूक्रेन, डेमका, आज हम उन चीज़ों के बारे में इतनी बातें नहीं करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको कि इसमें मेन मुख्य तौर से कारण क्या है। मैं अपने नोट से रेफर करूँगा जो रिसर्च हम लोगों ने बनाई है, मेरे साथियों ने बनाई है, और हमने मिलके ये पॉइंट्स चुने हैं दोस्तों। पहली चीज़, 73 आउटकम, 73 आउटकम्स एंड 39 एनेक्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो एनेक्शर लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। टोटल कहने का मतलब है कि 112 आउटकम और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स बनी हैं, और कहते हैं कि 2 से लेकर 5 गुना काम हुआ है। जितनी पुरानी G20 की मीटिंग हुई थी उसमें इतना ज़्यादा 5 गुना काम कर दिया इस वाली G20 ने, इतना कुछ काम हो गया है पिछले 2 दिनों में। जो बाइडेन साहब पहुंचे उनके साथ खाना वाना खाया मोदी जी ने, डिनर पे बुलाया, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर एक और प्रधान, सबका मिला मुलू के पता नहीं 200 से ज्यादा मीटिंग हो, 200 से ज्यादा मीटिंग हो गई, और कितने बायलैटरल हो गए, कितना क्या हो गया यहाँ पे, और एंड में ये डॉक्यूमेंट निकला और सब लोग कहते हैं गुड। अच्छा मैंने जब देखा, सब एग्री कर सकते हैं यार, बिल्कुल वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल है, कोई आसान चीज नहीं है, बोलने में बड़ा आसान लगता है, हम तो हर रोज पहुंच जाते हैं कि दोस्तों यू नो आज चाणक्य डायलॉग्स आप देखिए, लेकिन ये देखिए क्या हुआ है, कमाल का डॉक्यूमेंट वाकई में। इसमें जो भारत के खास, जिसको कहते हैं ना फुटप्रिंट, पैरों के निशान, कि भारत यहां से गुजरा था, वो छोड़ वो क्या क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं दोस्तों। एक तो डेकन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी की बात करी है कि भैया दुनिया में सबका पेट भरा होना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, तो इसके बारे में द डेकन हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये G20 की जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीइन्फोर्स करता है, ठीक है, अक्रॉस ज्योग्राफीज। देखो सारी दुनिया में G20 वाले ये कहते हैं कि हाँ हम इस पर मेहनत करेंगे, हम इस पर काम करेंगे कि ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है कि कोई भी बंदा जो हो ना दोस्तों, ऐसा होता है कि भुखमरी बहुत ज़्यादा दुनिया में, और ग्लोबल साउथ, जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं ना मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन्होंने वादा करा था, कई बार हम रिएट्रेट कर चुके हैं, मोदी जी ने बोला था आई विल टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ की बात करूंगा, उन देशों का मैं आवाज़ बनूंगा जिनकी आवाज़, सही बात उन्होंने बोला था, वो कहता है गरीब है यार, वहाँ पे सिविल वॉर हो रखा है, वहाँ पे गला काट रहे हैं लोग कह रहे हैं इनको छोड़ो यार, ये गरीब देश हैं, इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा है ना, ये सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि भाई दुनिया पे हम राज करेंगे, और गरीब वाले को कह रहे हैं ठीक है यार, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, हमें क्या लेना देना, मोदी जी बोल नहीं, उनको भी साथ वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, आपको जो लाइन के एंड में बंदा खड़ा उसको सबसे ऊपर, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उसके साथ
अपने साथ लेकर आगे भी चल के बताऊंगा। ये पूरा जो मामला है, देखिए जो भारतीय संस्कृति है ना, मैं आपको एक और बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ, ये पूरा जो मामला करा गया G20 का मोदी जी ने, ये भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति और पुरातन काल से जो भारत की मर्यादाएं चलती आ रही हैं उसके ऊपर पूरा G20 हुआ। और मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आप बोलेंगे साहब 2023 में हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति, इन दोनों का क्या मेल है, क्या लेना देना है? भाई पूरा लेना देना है, और ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या लेना देना है, ठीक है। ये देखिए, फूड सिक्योरिटी की बात करी, बोला कि भैया कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। स्कूल में पढ़ा आपने, वही है कि जो मेरे घर आए भिक्षा मांगने के लिए वो भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई भी भूखा ना रहे, कर दिया। क्या बात है। दूसरी चीज बोला है चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर ब्लू ओशन इकोनॉमी। इसमें ये बेसिकली बोला गया है कि भाई जो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू ओशन इकोनॉमी है। अब देखिए क्या होता है कि समुद्र से कोई तेल निकाल रहा है, मछलियां मार रहे हैं, सी फूड वहीं से आता है समुद्र से ना, और लोग मिनरल वेल्थ के लिए समुद्र को खोद रहे हैं, तो कह रहे हैं सस्टेनेबल होना चाहिए, आप समुद्र का फायदा उठाइए, आप फिशिंग करिए, आप तेल निकालिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन भाई इतना मत कर देना कि समुद्र खत्म हो जाए। बिल्कुल, उसमें जो कई जगह समुद्र के कई ऐसे 100 किलोमीटर है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने इतनी मछलियां मार दी, इतना उसमें डिगिंग कर दी, इतना तेल निकाल दिया, एरिया जहर बन चुका। तो बोला नहीं, आपको प्रकृति की वैल्यू करनी चाहिए, आपको प्रकृति की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी प्रकृति की। ये चीज बड़ी पुरातन काल में अभी यार कितने अच्छे पॉइंट हैं, धर्म तो अभी भी मानते हैं, पेड़ पत्तों की पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य की पूजा होती है, इन सब की पूजा क्यों करते हैं, फायदा देते हैं, सब सृष्टि है, तो सृष्टि की आप जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, सृष्टि का सम्मान नहीं करेंगे, तो सृष्टि आपका सम्मान नहीं करेगी। आप अगर अपने पैरों तले सोच रहे हैं ना, सृष्टि को दबा देंगे, कुचल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सृष्टि आपको कुचलेगी, ये बात तय है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, इसके बारे में भी बात करी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, गोवा रोड मैप है टूरिज्म के बारे में, क्योंकि गोवा जाहिर सी बात है बड़ी एक फेमस जगह टूरिज्म को लेकर। गांधीनगर इंप्लीमेंटेशन रोड मैप फॉर लैंड रेस्टोरेशन, जो जमीन खराब हो गई उसको दोबारा रेस्टोर करना। जयपुर कॉल फॉर एक्शन टू एनहेंस MSMEs एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देना, इसके बारे में भी कार्रवाई। क्योंकि देखिए अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल स्केल का काम कर रहा है, मीडियम स्केल का काम कर रहा है, अगर उसको जानकारी मिल जाए ना, अगर उसके पास सही समय पर जानकारी मिल जाए, उसका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। जो इसेंशियल जानकारी है उसके धंधे के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसकी बारे में बात करिए। अब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, ये कैसे प्रूफ करा? वासुदेव कुटुंबकम, देखिए सारी सारी चीज़ें शास्त्रों से ये सब ली गई हैं यहाँ पे, और यही हुआ है G20 में इस बार। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो AU है अफ्रीकन यूनियन, इसके 55 देश हैं, जिसमें एक पूरा जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, अब ये आ गया आपके G20 के अंदर, वासुदेव कुटुंबकम। यही बात मोदी जी ने पहले बोली थी। क्या बोला था मोदी जी ने? हम उनकी आवाज़ बनेंगे जिनकी खुद की कोई आवाज़, बिल्कुल बोला था उन्होंने पहले, ठीक है, और उनकी आवाज़ गूंजेगी उन कॉरिडोर्स में, उन गलीचों में, उन गलियों में, उन वर्ल्ड के स्टेज पे, उस बड़े बड़े महलों में इनकी आवाज गूंजेगी जहां पे ये लोग फटकते भी नहीं। ये छोटे छोटे देश, कैमरून, कौन पूछ रहा है कांगो को यार? कोई भी जानता पता ही नहीं है, मैंने तो नाम ही पहले दफा सुना, ठीक है। नैरोबी कीनिया, ये थोड़े से जो शहर हैं, ये बड़े बड़े कीनिया, इसमें तो तेल है तो लोग सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तंजानिया कौन सुन रहा है? तंजानिया, युगांडा कौन पूछ रहा है युगांडा को? बिल्कुल, ऐसे 55 देश हैं जहाँ भुखमरी है, जहाँ पे मारकाट है, जहाँ पे वॉरलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिनकी हजारों की फौज है, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेके गांव के गांव साफ कर देते हैं, और करवा कौन लड़ाई, ये लड़ाइयाँ करवा कौन रहा है? ये वेस्ट करवा रहा है, ये वेस्ट करवा रहा है, हीरों के लिए, कभी जवाहरात के लिए, कभी तेल के लिए, आपस में मारकाट करते रहो, अपना सामान दो। क्योंकि अगर ये अफ्रीकन्स को समझ में आ गई कि हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारी मिनरल वेल्थ है, ये खनिज पदार्थ हमारे हैं, तो वो अपने भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, और अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भैया अंग्रेजों के पास तो जाएंगे, साफ सीधी बात है। तो उनको आपस की मारकाट में लगा रखो। तो ये बोला है वासुदेव कुटुंबकम, बोला है कि आपको जितने भी 55 अफ्रीकन देश हैं उसमें से ज़्यादातर बहुत से बहुत गरीब हैं। सहारा डेजर्ट तो वहीं पर अफ्रीका में, सब सहारन टाइप के जो लोग हैं ना, बहुत ही गरीब, सबको बोला है कि नहीं, आप और हम बराबर हैं। अगर भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत का 3.75 ट्रिलियन का GDP है, और भारत यू नो $600 बिलियन से ज़्यादा उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए कि एक ज़माने में
हमारे साथ भी बुरा हुआ है। सही बात है, गरीब हुआ करता, हमारी दौलत अंग्रेज लूटने चला गया, और उसके बाद किस तरह से खुद को उन्होंने स्टैंड किया है, कितना हमने झेला है इस देश ने, तो भारत ये नहीं भूला। जो आज वो देश झेल रहे हैं बाहर की ताकतों की वजह से, तो भारत उनको कह रहा है कि देखिए हम आपके भाई हैं, हमें अपना अतीत याद है, हमें पता है कि जब दर्द होता है तो कैसा लगता है, आप आइए टेबल पे हमारे साथ बैठिए, आप और हम बराबर हैं, भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम दोनों बराबर के भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ अफ्रीकन यूनियन का। इसके अलावा तो बोला है कि नाउ ग्लोबल साउथ, जो गरीब मुल्क हैं, जितने साउथ साइड में है जो ग्लोबल गरीब मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, दे आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन बनाएंगे भाई, ये डिसीजन बनाएंगे, और इसके बारे में ये कहा गया कि इंडियन प्रेसिडेंसी इज क्राफ्टेड सॉल्यूशंस दैट रेजोनेट विद ईच मेंबर्स। जो हमने समाधान दिए हैं समस्याओं के, वो हर एक मेंबर इसका G20 का, अब ये कहता है कि जनाब हाँ ये ठीक है, G20 को भारत ने G21 बना दिया, अफ्रीका को बीच में लाके अभी G21 हो गया कायदे से। ये थी आज की वीडियो, तो यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के यार, पीएम मोदी ने बोला कि भूखा कोई नहीं सोएगा। इनके जो पॉइंट्स थे ना कि अफ्रीका कंट्री है, जो आपको पता ही है कि वहाँ पर काफी ज्यादा बहुत ज्यादा, मैंने ना बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस देखे हैं जिसमें वहाँ पे लोग इतने ज्यादा भूखे मर रहे हैं कि कोई भी फर्ज करे वहाँ पे टूरिस्ट जाता ना उसको लूटने बैठ जाएंगे या कुछ भी, क्योंकि आपको पता है जब भूखमरी के हालात हो, जब लोगों का पेट भूखा होता है ना, तो फिर वो चोरियों पे उतर आते हैं। वैसे भी उनके लिए ना कोई खाने को उधर चीज होती, ना पानी पानी नहीं मिल रहा उनको, तो इस वजह से यार ये बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया कि G20 में उन कंट्रीज को लेके आए हैं कि आप अपने आप को पहचानें, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता उनको बुलाया गया और उनको एक ही टेबल पे बिठाया। ये नहीं कि भाई होता ना हमारे यहाँ पे जो रिच फैमिलीज होती हैं उनके घर कोई काम कर रहा था, तो लोग क्या करते हैं जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं या कहीं पे भी, उनको अपने साथ कभी नहीं बिठाएंगे, उनको हमेशा अपने से नीचे बिठाएंगे, ऐसा लोग करते हैं। तो लेकिन नहीं, पीएम मोदी ने बोला कि आप भी हम जैसे हैं, आप हमारे साथ बैठेंगे, हम दोनों भाई भाई हैं, मैं आपका बड़ा भाई नहीं हूँ, तो सभी लोगों को इक्वल जैसा ट्रीट किया जाए। ये कितनी अच्छी बात है यार, दिल जीत लिया पीएम मोदी ने। बिल्कुल, उन कंट्रीज की कोई आवाज नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि सुनता, तो अभी उनको भी G20 का हिस्सा इसीलिए बनाया गया है कि कायदे के साथ आप भी यहाँ पर रहेंगे और आपकी कंट्री में जो भी है हालात है ना, कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज है ना, सब में से कोई ना कोई जखायर तो निकल गया, हर कंट्री अपना एक मतलब रखता है। जब अब जैसे कि पाकिस्तान है, यहाँ पे इतने ज्यादा जखायर है, अगर हम इसको यूज करके खुद पे इस्तेमाल कर लेना तो हमारा कंट्री इतना ज्यादा रिच हो जाएगा, लेकिन इनके पास ना मशीनरी है ना ही इन लोगों को इतनी अकल है, तो जिसकी वजह से इतने बुरे हालात हो गए। हालांकि इस कंट्री में जितने ज्यादा जखायर है ना, रिसोर्सेज पहाड़ों में गैस इतनी ज्यादा, कुछ जगह तो ऐसी है वहां पर ऐसी आग लगी रहती है, सही बात है, अगर ये खुद भी यूज करे दूसरे कंट्रीज को भी बेचे ना, तो इनका फायदा इतना ज्यादा होगा, लेकिन इनको अकल ही नहीं है ना। वही इसी तरह से अफ्रीका के कंट्रीज हैं, उनमें जखायर तो है, लेकिन वो जो दूसरे कंट्रीज हैं ना, वो उनको आपस में लड़वाते रहते हैं और उनके जो जखायर है वो निकाल के ले जाते हैं, फिर वो क्या करे इससे, क्योंकि उनका तो कोई फायदा नहीं होता, वो जो लोग उनको पता ही नहीं है ना उनके कंट्री से जखायर निकलते हैं, एजुकेशन नहीं है उन लोगों के पास, तो इस वजह से पीएम मोदी ने उनको बताया है कि आपके यहाँ पे ये जखायर है और आप अगर इनको खुद पे इस्तेमाल करेंगे, इनको दूसरे कंट्रीज को बेचोगे, तो फिर आपका जो है वो फायदा होगा, आपके हालात चेंज होंगे, काम करने की जरूरत है। और ये जो वहाँ पर आए दिन देखने को मिलता है कि अफ्रीका के किसी भी मालिक में ना दंगे फसाद हो रही है, सुडान में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपको पता है कि जहाँ पे ना भुखमरी के हालात हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, घर पे भी फर्ज करे राशन खत्म हो जाए ना, तो लोग आपस के फैमिली मेंबर ही लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से सभी कंट्रीज का हाल भी यही है, जहाँ पे भुखमरी के हालात होंगे वहाँ पे लोग लड़ेंगे, और जहाँ पे भुखमरी नहीं होगी ना, आप वहाँ पे हमेशा खुशहाली ही देखोगे, लोग वहाँ पे सेहतमंद होंगे, वहाँ पे हर तरफ तरक्की हो रही होगी, वो कभी मतलब पैसे की कमी जो होती है ना, वो इंसान को पागल कर देती है और बर्बादी का सबब भी वही चीज बनती है। तो इस वजह से अपने बलबूते पे खड़ा होना, पीएम मोदी ने उन लोगों को बताया है कि आप इस तरह से हमारे साथ, हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए जो भी हो सकता है करेंगे, जितने भी G20 के मेंबर्स हैं सबको खाना देंगे, कम अज कम और कुछ नहीं तो खाने का इंतजाम तो सबके लिए करेंगे, इतने पैसे दे सारी कंट्रीज के, अपनी कंट्रीज में लोगों को खाना तो आसानी के साथ खिला सके ना, तो काफी इंटरेस्ट इनके पॉइंट थे। तो अभी तो और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे जो कि हमने मतलब हमें नहीं पता, मे भी आने वाले वीडियोस में हमें वो भी पता चले, जो कि सुन के दिमाग वाकई में खुल गया और हाँ मतलब हैरानगी होती है कि उनकी इतनी अच्छी सोच है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।